आज दिनांक 6 मार्च 2024 को कानपुर के बेना झाबर स्थित बीएनएसडी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज में नगर क्षेत्र के सभी सीआरसी का ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम हमारा आंगन हमारे बच्चे आयोजित किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बाल विकास परियोजना अधिकारी आस्था द्विवेदी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में एसआरजी सोनिया मल्होत्रा ने प्री प्राइमरी शिक्षा के बारे में विस्तार से बताया। वहीं डीसी प्रबोध प्रताप सिंह ने बेसिक शिक्षा विभाग में बेहतर समन्वय पर चर्चा की। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रबोध प्रताप सिंह ने शिक्षकों एवं आंगनबाड़ी के कार्यों का लक्ष्य प्राप्ति हेतु उत्साहवर्धन किया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित नगर क्षेत्र के समस्त एआरपी प्रशांत सिंह, अनीता मल्होत्रा, सत्येंद्र वर्मा, दिशा सक्सेना, अवधेश यादव आदि ने स्कूल रेडीनेस निपुण लक्ष्य रीड ब्लॉग ऐप के बारे में विस्तार से बताया। वहीं सीडीपीओ आस्था द्विवेदी द्वारा निपुण बच्चों को सम्मानित भी किया गया। अज्ञानता से हमें दार दे मां, तरकीब तुझसे हमें अकेले हमें दार दे मां, दे मां इशार दे बाल विकास परियोजना अधिकारी शहर द्वितीय। आज का कार्यक्रम हमारा आंगन हमारे बच्चे ईसीसी गतिविधियों को गुणवत्तापरक बनाने के लिए और बच्चों के स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम से संबंधित है। इस कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ क्योंकि बच्चों में ही सर्वाधिक सीखने की क्षमता होती है। मनुष्य के मस्तिष्क का 90% विकास 6 साल की उम्र तक हो जाता है। इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के माध्यम से अभी बचपन से ही उन्हें जितना अच्छे से सिखाया जाएगा वो वैसे ही आगे चल के नागरिक बनेंगे। और स्कूल में जैसे प्राइवेट प्री स्कूल्स होते हैं वहाँ के जो बच्चे आते हैं और आंगनवाड़ी केंद्र में जो बच्चे पढ़ते हैं जो लोग आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं तो इसमें इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे और जो प्राइवेट प्री स्कूल से पढ़ के बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों में भी समानता रहे ताकि उनमें आपस में किसी भी प्रकार का बच्चों के मन में भी नहीं आए जब वो स्कूल में जाएंगे। और काफ़ी उनकी क्षमतावर्धन का प्रयास किया जा रहा है।
इन अभी 3 दिवसीय ट्रेनिंग भी आयोजित की गई थी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की, जिसके माध्यम से क्षमता वर्धन किया जा रहा है और विभिन्न प्रकार के और भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। बाल विकास सेवा और पुरस्कार विभाग में भी अनेक प्रकार के ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जिसके माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का क्षमता वर्धन करके ECC को गुणवत्ता परक बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरा नाम प्रबोध प्रताप सिंह, जिला समन्वय प्रशिक्षण के पद पर कार्यरत हैं बेसिक शिक्षा विभाग में। आज हम लोगों ने हमारे आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें कानपुर नगर क्षेत्र, ये कार्यक्रम जो है पूरे जनपद में 11 विकास खंडों में चल रहा है, ये कानपुर नगर क्षेत्र के नगर क्षेत्र में चल रहा है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और हमारे स्कूल के टीचर, क्योंकि निपुण लक्ष्य जो है लागू हो गए हैं और हमारा अभियान ये बच्चों को निपुण बनाने का है, तो आंगनवाड़ी जो कार्यकर्त्री जो प्री प्राइमरी केंद्र हमारे आंगनवाड़ी बाल वाटिका केंद्र चल रहे हैं उनमें बच्चों की पढ़ाई प्राइमरी में जोड़ते हुए कैसे करनी है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और कौन लोग आए हैं इसमें? आंगनवाड़ी जितनी भी हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, हमारे स्कूल के टीचर हैं, और निपुण लक्ष्यों के बारे में क्या करना है इस पर हमने स्पष्ट रूप से जो रणनीति बनाई है उसको हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में रखा है। यहाँ पे जो 3 से 6 वर्ष के आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनमें 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे स्कूल के लिए कक्षा 1 में आने के लिए तैयार हो रहे हैं उनको कैसे पढ़ाएंगे, 12 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर कैसे लागू करेंगे, इन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। जो बच्चे निपुण हैं उनमें 1-2 कक्षा 1-2-3 के 3 बच्चे और 2 आंगनवाड़ी केंद्र के निपुण बच्चों को हम यहाँ पुरस्कार देंगे, जिससे कि जो बच्चे निपुण होते जा रहे हैं, निपुण का मतलब यह है कि जो बच्चे भाषा और गणित में 75% से अधिक अंक लाएं और वो जो लक्ष्य तय हुए हैं उनको पढ़ लें तो वो निपुण माने जाएंगे, ऐसे बच्चों को हम यहाँ पुरस्कार देंगे। और ये अभियान चलाते हुए पूरे जनपद में हम इसको लिए जा रहे हैं जिससे कि हमारा कक्षा 1 में आने वाला बच्चा आगे चल कर के जो लक्ष्य तय किए गए हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए वो हम पूर्ण कर सकें। उत्तर प्रदेश में अभी कितने स्कूलों में कार्यक्रम चल रहा है? ये पूरे यूपी में 75 जिलों में सभी स्कूलों में जितने भी सरकारी स्कूल कक्षा 1 से 8 तक संचालित हैं उनमें सब में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो आंगनवाड़ी केंद्र हमारे कोलोकेटेड केंद्र चल रहे हैं उनमें सब में ये कार्यक्रम चलेगा। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.